हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, जिसमें हम बात करेंगे प्रेगनेंसी से बचने वाली टैबलेट कौन सी होती हैं, कब आपको कौन सी टैबलेट का उपयोग करना है, क्योंकि काफी ज्यादा डाउट आप लोगों के मन में होते हैं कब कौन सी टैबलेट लेनी होती है। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बन जाता है या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो जाता है, लाइक कॉन्डम ब्रेक हो गया या फिर जो बर्थ कंट्रोल आप मेथड यूज कर रहे थे वो फेल हो गया। तो उस दौरान अगर आपको 72 घंटे नहीं हुए हैं तो 72 घंटे से पहले पहले आप एक अनवांटेड 72 करके एक टैबलेट आती है, और आईपिल के नाम से भी टैबलेट आती है जिसे हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। 72 घंटे के अंदर अंदर आपको लेनी होती है, नजदीकी फार्मेसी से कहीं से भी ले सकते हैं, कोई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी आती है 21 दिन वाली पिल, जो कि आपको पर डे एक एक टेबलेट लेनी पड़ती है। जिस दिन आपका पीरियड का फर्स्ट डे होता है उस दिन आपको पिल को लेनी होती है, और 21 दिन तक लगातार आपको लेनी होती है, उसके बाद आपके पीरियड आ जाते हैं। तो ये वाली जो टेबलेट होती है ये नजदीकी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आप लीजिए, डॉक्टर आपको और अच्छे से समझा देंगे कि किस तरीके से लेनी होती है आपको और कब स्टार्ट करनी होती है, तो वहां से आप ले लेंगे तो आप पूरे महीने अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच जाएंगे। क्योंकि ये दो टैबलेट हैं जो कि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा सकती हैं, और ऐसा नहीं है कि इनके साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल इनके साइड इफेक्ट होते हैं। जो अनवांटेड 72 होती है उनके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे पीरियड इरेगुलर हो जाना या फिर महीने में 2-3 बार पीरियड आ जाना या फिर कम ब्लीडिंग होना या फिर ज्यादा ब्लीडिंग होना, इस तरह की दिक्कत काफी ज्यादा देखी जाती है। तो रेगुलर इनको मत लीजिए। अगर कोई भी आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो गया है, काफी इमरजेंसी पड़ गई है, तभी आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही अभी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। कोई सवाल है आपका तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।